नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत NH-33 स्थित रॉयल हिल्स बार एंड रेस्टोरेंट में गुरुवार की रात धालबूम SDO पारुल सिंह ने ग्राहक के विश्व में प्रवेश किया। इसके बाद वहां से अवैध हुक्का बार और अश्लील डांस के खेल का खुलासा हुआ। यहाँ से आपत्तिजनक डांस करते 10 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। सभी पश्चिम बंगाल, नागपुर और मुंबई की लड़कियां हैं। सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। SDO पारुल सिंह ने बताया कि बेहद ही गोपनीय तरीके से यहां अवैध हुक्का बार और डांस बार चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर अपने गोपनीय शाखा के पदाधिकारियों के साथ यहां ग्राहक बनकर प्रवेश किया। प्रवेश करते इस अवैध अनैतिक कार्य का खुलासा हुआ है। फिलहाल मालिक को ट्रैक किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। यहाँ से करीब 400 बोतल शराब, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उन्होंने बताया कि छापेमारी की सूचना मिलते ही सभी बाउंसर मौके से भाग निकले। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरी कार्रवाई से स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया और यहां पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। SDO की इस कार्रवाई के बाद हाईवे के किनारे वैसे रिसोर्ट और रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के उपरांत हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मेरे गोपनीय की जो टीम है, हमारे बॉडीगार्ड है मृत्युंजय और दूसरे प्रधान दलपति ऑफिस के स्टाफ है और नीतीश, हम लोगों ने सब लोगों ने ये प्लान किया कि ज़्यादा सूचना देने से अच्छा है कि हम ही लोग चले जाते हैं। तो हम लोग मतलब नॉर्मल कस्टमर्स की तरह पे सिविल ड्रेस में यहाँ पे आए थे और उसके बाद हम लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं। तो पहले हम लोग आगे की तरफ गए थे, तो हम और नीतीश जो थे वो आगे गए थे और प्रधान वहाँ पे उसने बताया वहाँ पे नॉर्मल ड्रिंक्स थी और हुक्का था जी जी। और लेकिन वहाँ पे डांस का कोई स्कोप नहीं था, मतलब डांस फ्लोर था, सारे अरेंजमेंट्स थे लेकिन डांस बाई चांस वहाँ नहीं था। हम लोगों ने जब पता किया तो उसने बताया सिंगर नहीं है इसलिए डांस नहीं था। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है। फिर तब तक पीछे हम लोगों ने टीम को भेजा हुआ था, तो उसमें मृत्युंजय थे और साथ में दलपति थे। तो इन लोगों ने यहाँ से बोला कि नहीं, यहाँ पे है इस तरह का। तो मतलब हम लोग भी पीछे से आ गए, हम लोगों ने हम लोग एंटर किए और हम लोग नॉर्मल कस्टमर्स की तरह बैठे हुए थे। जो भी इन लोगों के मतलब ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व हो रही थी वो मतलब हम लोगों ने परचेज़ वगैरह किया और यहाँ पे कई कस्टमर्स बैठे हुए थे, लड़कियाँ डांस कर रही थी, बारी बारी से आके हम लोग डांस कर रहे थे मतलब। उसके बाद और जो कस्टमर्स बैठे हुए थे, ड्रिंक्स और हुक्का वगैरह चल रहा था और वो लोग उन लोगों पर मतलब पैसे फेंक रहे थे जैसे नॉर्मल होता है। और फिर हम लोगों ने नीचे मतलब फ़ोन किया, दलपति ने जाके इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद थाना बिल्कुल जैसे ही उसको खबर मिली, थाना बिल्कुल उस टाइम से तुरंत यहाँ पे पहुँचा। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन 24।